हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कोर्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में समझेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक गेट एग्जामिनेशन में काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड यू हैव टू फाइंड दैट कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। आपको कुछ फंक्शंस दे दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल fn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, तो बोला जाएगा कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा और रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। इस पर हम थोड़ा सा देर के बाद आएंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ लें कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम वी यूज एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो परफॉर्मेंस क्या होता है? तो एक एग्जांपल के तौर पे हम यदि स्टार्ट करें, यहाँ पे सपोज दैट यू हैव टू सॉर्ट 10 नंबर्स, 10 नंबर को आपको सॉर्ट करने हैं। तो प्रॉब्लम एक है, बट एल्गोरिदम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सब क्या सॉर्टिंग टेक्निक है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, 10 नंबर को सॉर्ट कर सकता है। तो इसमें से कौन सा एल्गोरिदम बेटर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उस प्रॉब्लम का और उस एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस कैसा है। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस। मेन फैक्टर जो होता है टाइम होती है और स्पेस होती है। तो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यदि बात करें तो तीन कैटेगरी में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो फर्स्ट जो हमारा नोटेशन होता है बिग ओ नोटेशन, जिसे हम लोग अपर बाउंड बोलते हैं, ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड है, और थीटा नोटेशन, और इसको बोलते हैं टाइटली बाउंड नोटेशन और एवरेज बाउंड, ये इन दोनों के बीच में आता है थीटा नोटेशन। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम लोग इस तीनों को डिस्कस करने के पहले एक हम लोग बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट फंक्शन दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, तो बोलेगा कि जो इसका जो ऑर्डर है बिग ओ नोटेशन में यदि आपको निकालना तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, 4n एंड 1 n स्क्वायर के कंपेयर में बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो n स्क्वायर जिस रेट से बढ़ेगा उस रेट से ये नहीं बढ़ सकता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी लोअर टर्म है, लोअर ऑर्डर के टर्म है, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमने ये लिया कि इसका जो वैल्यू है लेस देन होगा, लेस देन और इक्वल बोल सकते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू c इंटू एन स्क्वायर, वेयर c इज सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, कुछ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो आप इस एग्जाम्पल को आप चेक कर सकते हो कि c का वैल्यू हम यदि 2 कर दे तो इसका मतलब क्या हो गया, 2n स्क्वायर हो गया। तो अब n के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू जो है इससे कम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सपोज दैट हमारा उसको हम लोग बोलते हैं n नॉट, कि जिस वैल्यू से स्टार्ट होता है, तो n नॉट का वैल्यू हम यदि 2 रखें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 होगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, 4 एंड 8 प्लस 1 13 हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब कि n नॉट का वैल्यू 2 नहीं होगा। अब हम यदि 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 2 18 होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, 9 प्लस 12 21 प्लस 1 22, तो 22 लेस देन 18 नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इसको और आगे देखते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम कोई एक ऐसा पॉइंट पे पहुंचेंगे, फॉर एग्जाम्पल एन नॉट का वैल्यू 4 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 दुनी 32 32, यहाँ पे 16 प्लस 16 32 प्लस 1 33। तो अभी भी यहाँ पे एन नॉट के वैल्यू हम सही फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। यदि एन नॉट की वैल्यू 5 हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 50। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि एन नॉट का वैल्यू यदि हम 5 लें और इससे अधिक लेंगे तो उस केस के लिए ये हमारा जो है सेटिस्फाई करेगा। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो बिग ओ नोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग हायर ऑर्डर को ले सकते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जांपल से हमने आपको बता दिया कि सी एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट क्या हो सकता है और किस वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा कि जो ये हमने कंडीशन लिया वो सेटिस्फाई होगा। एक और एग्जांपल हमने लिया है, उसको भी आप लोग समझ लें, उसके बाद हम लोग एसिम्प्टोटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन दिया हुआ है 3n प्लस 5, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो लोअर ऑर्डर को आप इग्नोर कर सकते हो। कैसे, तो 3n प्लस 5 और fn का जो वैल्यू है लेस एंड इक्वल टू हमने कर दिया c इंटू n, वेयर c इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे n नॉट का वैल्यू आप यदि 5 लेते हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 होने का मतलब ये है कि ये जो केस है
सेटिस्फाई कर रहा है। तो एन नॉट का वैल्यू अब 5 के बाद 6 हो, 7 हो, जो भी होगा उसके लिए ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे अब देख लिए कि हमारा जो ऑर्डर होगा क्या होगा, 4 एन ओ कॉन्स्टेंट को बाहर कर सकते हैं, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन इसका निकला कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसका क्या निकल गया, ऑर्डर ऑफ एन का हो गया, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं जो तीन नोटेशन की बात की उसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और उसका मेन कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फर्स्ट जो आपको ग्राफ दिख रहा है दैट इज फॉर विग ओ नोटेशन, सेकेंड वन क्या है ओमेगा नोटेशन, एंड थर्ड वन हमने लिया है थीटा नोटेशन के लिए। तो हम लोग बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे। ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज शोइंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन है उसका ग्रोथ किस रेट से हो रहा है, और इधर हम लोग बढ़ रहे हैं कि एन का वैल्यू क्या और इनपुट साइज, साइज ऑफ द प्रॉब्लम का जो इनपुट होगा वो क्या है। जैसे यहाँ पे जीरो है, फिर वन होगा, टू होगा, एन नॉट होगा, जैसे आपको हम एग्जाम्पल में बताए। तो ये जो है सभी में लिया गया, तीनों में लिया गया है। तो बिग ओ नोटेशन में होता क्या है कि यदि दो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन क्या है एफ एन है जो हमने ऐसा बनाया है, और एक फंक्शन हमारा जीएन है, सी इंटू जीएन। तो बोला कि एक टाइम आएगा जो आपका फंक्शन एफ एन है वो हमेशा छोटा होगा इस फंक्शन से। इस फंक्शन को आप देख सकते हैं सी इंटू जो जी एन फंक्शन है, आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे एफ एन से छोटा था, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या है एफ एन से बड़ा हो गया, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फिर से छोटा हो गया। लेकिन एक टाइम आया एन नॉट जो जहां से ये फंक्शन हमेशा बड़ा हो गया और एफ एन वैल्यू छोटा हो गया, जैसा कि हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, इस एग्जाम्पल में चेक कर रहे थे कि एन नॉट का वैल्यू वन के लिए छोटा हो सकता है, टू के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन एक टाइम आता है जहां से सी इंटू जी एन हमेशा बड़ा होगा। तो यदि ऐसा सिचुएशन एराइज होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन का मतलब क्या हो गया, एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ और बिग ओ जी एन, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपर बाउंड। ये हमेशा क्या है आप आगे ऊपर में ही जा रहा है फंक्शन एफ एन से। सो दिस इज नथिंग बट बिग ओ नोटेशन। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है हमारा सी इंटू जी एन इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू दिस फंक्शन। सो हमने यहाँ पे रिलेशन दे दिया और इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा जीरो से इक्वल और बराबर हो सकता है। तो ये कंडीशन हमने लिया कि सी इंटू जी एन ग्रेटर एंड इक्वल टू एफ एन ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे सी आपको हमने समझा चुका है कि क्या सी की वैल्यू होती है, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और किस वैल्यू से ये ऐसा सिचुएशन होता है एन नॉट, तो भी आपको क्लियर हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट बिग ओ नोटेशन। नाउ वी विल डिस्कस ओमेगा नोटेशन। तो ओमेगा नोटेशन को लोअर बाउंड नोटेशन भी बोला जाता है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख, इस ग्राफ में देख सकते हैं कि C इंटू जी एन क्या है नीचे आया, एफ एन ऊपर गया, जैसा कि हमने बिग ओ नोटेशन में देखा। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि एक पर्टिकुलर एन नॉट की वैल्यू के बाद फंक्शन की वैल्यू हमेशा ऊपर में रहेगा, लेकिन बिग ओ नोटेशन में क्या था हमेशा नीचे आया था, यहाँ पे जस्ट ओपोजिट। तो ये कॉन्सेप्ट है ओमेगा नोटेशन का। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल होगा सी इंटू जी एन का, कब से एन नॉट के बाद, और ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हमारा फाइनली क्या है थीटा नोटेशन। तो थीटा नोटेशन आपको बताया था कि ये एवरेज बाउंड नोटेशन होती है और टाइटली बाउंड होती है, मतलब दो नो का बीच का पार्ट है, राइट। सो बिग ओ नोटेशन और ओमेगा नोटेशन के बीच की पार्ट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एन नॉट वैल्यू के बाद एफ एन का जो वैल्यू है ये दोनों के बीच में आ रहा है, दो कांस्टेंट हमने लिया C2 एंड C1, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी बीच में था, कभी ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये हमेशा बीच में ही अपीयर हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थीटा नोटेशन। तो इसका जो रिलेशन है ये भी आप याद रखेंगे कि Fn का जो वैल्यू है इससे क्या होगा बड़ा होगा और इससे क्या होगा छोटा होगा। तो ये हमने रिलेशन ऐसा दे दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको अभी भी यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसा कि हमने ऊपर में भी समझा चुका है, अब एक और एग्जाम्पल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन का एग्जाम्पल एक एक लेंगे। सपोज दैट फंक्शन दिया हुआ है एन क्यू प्लस फाइव एन प्लस टेन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टर्म में c इंटू जी एन हमेशा बड़ा होगा एफ एन से, और एफ एन लेस एंड इक्वल होगा c इंटू जी एन से। तो एफ एन हमारा दिया हुआ है ये टर्म, राइट। तो इसका वैल्यू हमने लिखा लेस एंड इक्वल टू c इंटू एन क्यू। तो अब आपको पता है कि c का वैल्यू
कुछ हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि सी का वैल्यू यदि हम 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 2nq हो जाएगा, और एन नॉट का वैल्यू यदि हम 3 करें मतलब 3 या उससे अधिक लेंगे तो इससे हमेशा क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हायर ऑर्डर है वो टर्म हम लोग लिखते हैं। तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो हमारा इसका ऑर्डर आएगा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन क्यू हो जाएगा। उसी तरह से यदि इसमें हम लोग देखें 10n², तो आपको ये पता है कि सी इंटू जी एन हमेशा क्या होना चाहिए, इस फंक्शन से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम इस कॉन्स्टेंट को 10 कर दें और एन नॉट का वैल्यू 1 और इससे अधिक यदि हम लोग लें तो हमेशा क्या आएगा, इससे छोटा आएगा। तो 10 × n, क्योंकि ये n है और यहाँ पे n² है, तो 1 यदि लेंगे तो क्या होगा, 10 × 1 10 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 होगा। लेकिन 2 लेंगे तो क्या होगा, 10 × 2² 40 होगा, लेकिन ये क्या होगा, 20 ही होगा। तो हमेशा क्या होगा, इससे लेस एंड इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि fn का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा नोटेशन n². तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिया है थीटा नोटेशन के लिए, कि सपोज दैट फंक्शन की वैल्यू है n² / 2 - n/2। तो फंक्शन को हमने सेट कर दिया c1 × n² लेस एंड इक्वल टू c2 × n², जैसा कि c2gn से क्या होना चाहिए, हमेशा ये छोटा होगा, और इससे क्या होगा, हमेशा ये बड़ा होगा। तो c1 की वैल्यू यदि 1/5 होगी तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है इसका हमेशा फिर इससे बड़ा आएगा। लेकिन c2 की वैल्यू यहाँ पे यदि 1 करें × n² करेंगे तो ये जो वैल्यू है हमेशा इस वैल्यू से बड़ा होगा। ठीक, कंडीशन आप ऐसे शो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका यदि θ(n²). सो आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।